अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अब्बास फ्रॉम हूप स्टूडियोज। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट कुकीज विदाउट ओवन। चॉकलेट कुकीज बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए हम 1/4 कप शुगर पाउडर एक बड़े बाउल में शामिल करेंगे और इसमें हम 50 ग्राम बटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 3/4 कप मैदा, 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर तैयार होने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके डो तैयार कर लेंगे। डो को गूंद कर मुनासिब हद तक नरम कर लें। डो को 10 से 20 मिनट के लिए फ्री छोड़ दें और इसके बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। कुकीज़ बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसका साइज़ मुनासिब रखें, क्योंकि कुकिंग के बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। राउंड शेप तैयार होने के बाद अब इसके सेंटर में हम चॉकलेट का पीस ऐड करेंगे, जिसमें इसकी खूबसूरती और टेस्ट में इजाफा होगा। बेकिंग ट्रेज को रेडी करने के लिए इसकी सरफेस पे हम सबसे पहले ऑयल अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे से। और इसके बाद इसके ऊपर हम बटर पेपर की एक शीट ऐड कर देंगे, जो इसको कुकीज को ट्रेज के साथ जुड़ने से महफूज रखेगा। कुकीज़ को बेक करने के लिए हमने पैन को प्री हीट कर लिया है। अब कुकीज से रेडी ट्रे को हम कढ़ाई में रख देंगे और इसको लिड के साथ ऊपर से कवर कर देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमारी कुकीज़ पककर तैयार हो जाएगी और हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मज़ेदार चॉकलेट कुकीज़ विदाउट ओवन रेडी है। इसको आप अब इंजॉय कर सकते हैं। इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।